नोएडा ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। बारूद लगाने के बाद नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। 28 तारीख के रूट डायवर्जन को लेकर पूरी जानकारी भी ली। डीसीपी ट्रैफिक और आला अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें एक्सप्रेस वे करीब 1 घंटे के लिए उस दिन बंद कर दिया जाएगा। वहां पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा। बारूद लगाने के बाद नॉन इलेक्ट्रिक वायरिंग वहां पर हुई है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विन टावर के काउंटडाउन की भी से ट्विन टावर के गिरने तक एक एक तस्वीर एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। ये 28 तारीख के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पिछले 6 माह से इस पर लगातार कार्य हो रहा था और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा एडिफिस इंजीनियरिंग को ये कार्य सौंपा गया है इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का। इसमें तमाम एजेंसीज और डिफरेंट टाइप की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की जो एजेंसीज हैं, स्टेक होल्डर्स, वो एक टीम भावना के साथ पिछले 6 माह से लगातार इस पर कार्य कर रहे थे। इसमें इंजीनियरिंग विंग है, इसमें एक्सप्लोजिव विंग है, इसमें फायर सेफ्टी के लोग हैं, इसमें ट्रैफिक का कोऑर्डिनेशन है। इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक इंसिडेंट कमांडर उस दिन के लिए नियुक्त किए हैं जो डीसीपी रैंक के ऑफिसर होंगे और वो अपने सब कमांडर्स के साथ इस पूरी व्यवस्था को अपने मार्गदर्शन में इसका संचालन कराएंगे। भ्रष्टाचार की इमारत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले 28 तारीख को यह भूमिजल इमारत जमींदोज हो जाएगी। वहीं अब तक पूरा विस्फोटक का काम पूरा हो चुका है और अब बताया जा रहा है जो नॉन इलेक्ट्रिक वायर है उनको भी लगभग लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। तो वही दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह पहुँचे हुए हैं। वह पूरी तैयारियों के जायजा लेने के लिए खुद यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर उनके अलावा तमाम जो आला अधिकारी डीसीपी ट्रैफिक के डीसीपी डीसी सहित जो सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, खुद कमिश्नर सभी अधिकारियों से बातें कर रहे हैं और बातों के साथ साथ जायजा ले रहे हैं रूटों का। आपको बता दें लगभग जिस दिन ये विस्फोट होगा उस दिन उससे कुछ समय पहले जो रूट है उनको डायवर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ इतना ही नहीं कुछ किलोमीटर दायरे को बंद भी किया जाएगा। तो वही ना वही आने वाले समय में अब देखने की बात यह है कि पुलिस द्वारा जो रूट डायवर्ट करे गए उनको कब बंद किया जाएगा और वही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर भी पूरी तरीके से अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।